हम बिलासपुर से जयराम नगर आए थे माल छोड़ने के लिए। जयराम नगर से माल छोड़ करके वापस जा रहे हैं। रोड इतना ख़राब है, हमारा गाड़ी फंस चुका है। 3 घंटे से हम परेशान हैं ऐसे रोड में। पता नहीं इंसान कैसे चलते होंगे, यहाँ तो पैदल चलने के लायक रोड नहीं है। अब देख रहे स्थिति, 3 घंटे से भोग रहे हैं, अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं। यहाँ कंपनी का खदान है, वही क्रेशर है और पूरा है इसी पत्थर डाला थे। ओकर बाद मुरूम भी नहीं डाले ये रोड में, सिर्फ पत्थर डाल के वैसी छोड़ दे रहे थे। डामरीकरण होना जरूरी है, यहाँ बड़े बड़े गाड़ी भी चलते हैं, बड़े छोटे सब आते जाते हैं, ऐसे रोड को जरूरी है बनने। ये रोड बहुत ही खराब हो चुका था और राह चलने वालों को बहुत ही परेशानी उठाना पड़ रहा था। कभी गाड़ी फंस जाता था तो स्कूली बच्चों को भी आने जाने में बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। मैं इस वीडियो को 8 महीना पहले बनाई थी और इस वीडियो को लेकर के कमिश्नर को दिखाई थी। कमिश्नर बोला कि मैं इस रोड से गुजरूंगा और तभी मैं आदेश दे पाऊंगा। और कमिश्नर आ करके देखे इस रोड के हालत को, उसके बाद ये 1 साल के बाद ये रोड अभी बहुत अच्छा से बन गया है। आने जाने वाले बहुत खुश हैं। मस्तूरी तक का जो रोड है बहुत ही ग्रस्त हो चुका था। आए दिन गाड़ी मोटर फंसते थे उसमें, आए दिन दुर्घटना का संभावना बना रहता था। मगर विंदा दीदी आई और वीडियो बनाकर कमिश्नर के पास हम लोग ले गए, कमिश्नर को दिखाए। तो कमिश्नर ने बोला कि मैं पहले वहाँ जाके उस रोड पे पहले चल के देखूँगा, उसके बाद ही आदेश दूँगा। इसके 1 साल बाद ही आज रोड अच्छे से बन गया है। आने जाने वाले लोग बहुत बहुत ही खुश हैं। गाड़ी मोटर वाले भी बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। मैं बहुत बहुत कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जयराम नगर से मस्तूरी जाने वाला रोड अभी बहुत अच्छा से बन गया है और आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ रहा है। मैं वृंदा आज़ाद, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहर्ट के लिए।